अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मनाफ, वेलकम टू AMD व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में आपको सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को की जर्नी दिखाने जा रहे हैं। 24 आवर का ये टूर होगा, एक घंटे के बाद मेरी ट्रेन है। व्हाइट नाइट्स का सीज़न जो है वो पीक टाइम चल रहा है, इस वक्त 12:30 का टाइम हो चुका है, लेकिन अंधेरा जो है वो बहुत कम है। मास्को की सैर करने के लिए आपको सबसे बेस्ट शॉट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि Insta360 आपकी स्टिक भी मौजूद है, जिससे आपको बुलेट टाइम शॉट्स जो हैं वो दिखा सकेंगे। का सफ़र जो है वो मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सिटी है जिसका बहुत सारे कंट्रीज़ का एक व्यू देखने को मिल सकता है आपको मास्को में। ये बुलेट ट्रेन बिल्कुल नहीं है, ये रेगुलर ट्रेन जो चलती है 8 से 10 घंटे का इसका सफ़र होता है। सुबह उठते ही मॉर्निंग में अपना बोरिया बिस्तरा, क्योंकि आपको ख़ुद गोल करना होता है, तो उठते ही अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके तैयारी पकड़ लें, क्योंकि रेलवे स्टेशन आ चुका है। मास्को पहुँचते ही सबसे पहली विज़िट करने का प्लान बना मस्जिद का, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद देखने के बाद दूसरी जगह मास्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की तरफ हमने रुख किया, जिसे रशियन लैंग्वेज में मास्कोवस्की मेजदुनारोद ने दिलवोय सेंटर भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 1995 से शुरू हुई थी और 2024 तक मुकम्मल होगी। ये कम्प्लेक्स यूरोप का मेजर फाइनेंशियल सेंटर है। इन बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ दफातर और रिहायशी सेंटर हैं। इन बिल्डिंग्स में अंदाज़े के मुताबिक 2.5 लाख से 3 लाख तक लोग यहाँ पर काम कर सकेंगे और जो विज़िट कर सकेंगे।
आधा दिन गुजरने के बाद हमने लास्ट डेस्टिनेशन चूज़ की, क्रेमलिन। 5 पैलेसेस और 5 चर्चेस के साथ बड़े बड़े क्रेमलिन टावर्स का व्यू रशिया की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। क्रेमलिन में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब रहते हैं। साथ में ही बहुत ही खूबसूरत एक शॉपिंग सेंटर है। ये मास्को की सबसे फेमस स्ट्रीट अरबात है। ये स्ट्रीट 15वीं सदी में बनी थी। यहाँ पर किसी रशियन के गाने पर शूटिंग हो रही थी, तो कुछ मैंने भी शूट कर लिया। आगे आपको शूटिंग के सीन दिखाते हैं। ट्रेन मेरा इंतज़ार कर रही है। पूरा दिन गुजरने के बाद वापसी का सफ़र शुरू होता है। बुलेट ट्रेन में मैं 3.5 घंटे में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको मास्को की जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट का मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।